जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग TTML के नाम से जानते हैं। अभी हम जानते हैं कि इस कंपनी में पिछले कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा था, लेकिन आज यह स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया, यानी कि अब इसमें गिरावट शुरू हो गया है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है? जो स्टॉक लगातार कई दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा था, वो आज अचानक से देखेंगे तो नीचे की तरफ आने लगा, तो ये एक बड़ी सवाल हो सकती है और चिंता की बात भी हो सकती है जिन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। और खासकर उन लोगों के लिए बात ज़्यादा चिंता की हो सकती है जो हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे, यानी कि इस कंपनी के शेयर बाय किए होंगे। तो खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और आपके हर एक चिंता को दूर करने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा। आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों घबराना नहीं है। देखिए, TTML में आप देखेंगे तो आज इसने 60 रुपये 95 पैसा पर अपना क्लोजिंग दिया है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन ही हुआ था आज 67 रुपये के आसपास, और दिन भर में इसने 67 रुपये 35 पैसे का हाई भी लगाया, लेकिन शाम होते होते 60 रुपये 95 पैसा पर क्लोजिंग दे दिया। तो देखिए, चिंता कोई बात नहीं है। पिछले एक सप्ताह में आप देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन कितना चढ़ा है, 10% के आसपास चढ़ा, और लगातार अपर सर्किट में चल रहा है पिछले कई दिनों से। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अपर सर्किट, यहाँ पर अपर सर्किट, यहाँ पर अपर सर्किट, यानी पिछले 5 दिनों में लगातार ये अपर सर्किट में ही रहा है स्टॉक और पहुंच गया है 92.92% के आसपास तेजी इसमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखेंगे तो जब इसमें अपर सर्किट लगा तब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 55 रुपये के आसपास, और जब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था तब, और जब यहाँ पर आया मैक्सिमम, तो यहाँ पर देखेंगे इसका प्राइस पहुंच कर गया था 65 रुपये के आसपास। अब लंबी अवधि के चार्ट पर आप देखेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर देखेंगे ये रहा TTML कंपनी और ये रहा इस कंपनी के एक साल का चार्ट। एक साल का चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस वैसे तो पिछले कई मतलब एक साल से कंटिन्यूस देखेंगे तो नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लिया था। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब डबल W टाइप का जब बनता है तो प्राइस सामान्यतः ऊपर जाता है, और उस कंपनी का प्राइस ऊपर जा भी रहा है। यहाँ पर आज जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से इस कंपनी का प्राइस उठना शुरू हुआ था, यानी कि जहाँ से ये प्राइस उठना शुरू हुआ था इस लेवल से, तो ये प्राइस उस समय था तकरीबन 50 रुपये के आसपास, और ये मैं ये बात है तकरीबन 25 मार्च के आसपास की। तो देखेंगे आप 25 मार्च से इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, और 50 रुपये से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, और कहाँ तक पहुँच गया, 65 रुपये तक पहुँच गया, और अभी 25 मार्च से लगातार बढ़ ही रहा है। तो कहने का मतलब कोई किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मतलब महीनों महीनों तक उठते ही चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता है। किसी भी स्टॉक का प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, तो थोड़ा सा जब इतने दिन से लगातार ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा प्राइस फिर इसमें नीचे आएगा। तो वही इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इतने दिनों से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था अब हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ा है। तो इतनी कोई खास चिंता की बात है नहीं। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 60 रुपये का, अभी प्राइस 60 रुपये के आसपास है, इसके नीचे नहीं आया। यदि प्राइस 60 रुपये के थोड़ा नीचे भी आता है तब भी उतनी चिंता की बात नहीं होगी। अभी हमारे पास सबसे पहले ये वाला सपोर्ट एरिया है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यानी कि अभी उतनी चिंता की बात नहीं है। 55 रुपये तक भी आता है तो उतनी चिंता की बात नहीं होगी। और अभी देखिए यहाँ पर जब मैंने स्पष्ट आपको बताया कि ये जब W टाइप का यहाँ पर बनाया है तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, और सबसे पहले यहाँ पर ये आएगा 80 रुपये के आसपास। 80 रुपये तक नहीं भी आएगा फिर भी आपको 60 रुपये के लेवल को अगर पार कर जाएगा तो उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप इस लेवल को मार करके रखेंगे, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना वो कभी फेल नहीं होता। ये तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बता दिया। देखिए TTML का जो काम है, आपको काम अच्छे से पता है कि ये बेसिकली टेली कम्युनिकेशन के सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी है। वायरलेस टेली कम्युनिकेशन सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और इस कंपनी के यदि फंडामेंटल की बात करें तो देखिए फंडामेंटल में देखेंगे तो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एक बड़ी कंपनी है। शेयर प्राइस भले इस कंपनी का कम है और कम अभी हो गया है, जबकि आपको पता है एक समय में तकरीबन 210 रुपये का हाई भी लगाया था। साल भर का इसका जो मैक्सिमम हाई है 209 रुपये का है। दिक्कत यह है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है माइनस में है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर शो नहीं होता है। ROCE देखेंगे तो 35% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे सेल्स इस कंपनी का तो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स बढ़कर 282 करोड़ के आसपास होगा, जो कि पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी की जो सेवाएँ हैं वो लोग ले रहे हैं। अब देखिए जब सेल्स बढ़ाए तो कंपनी का जो लॉस में थी, आपको ऑलरेडी पता है कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, क्योंकि इसको डेब्ट अधिक है तो लॉसेस कम होते हुए आपको दिखे। देखिए यहाँ से देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से देखिए 295 करोड़ का लॉस था पहले, उसके बाद कम होकर 293 हुआ, फिर 280 हुआ। तो ऐसे ऐसे जब लॉसेज इस कंपनी के कम हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगी। देखिए ऐसा कम ही कंपनी होगी जिसमें हर एक चीज़ आपको बेहतर मिलेगा, बढ़िया मिलेगा।
कुछ ना कुछ दिक्कत रहता ही है, आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे इस कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, ये तो बात हम सभी जानते हैं। और फंडामेंटल मजबूत होने के साथ साथ जो कंपनी का काम है वो भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है, तथा शेयर प्राइस में जो होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से वो भी बातें मैंने आपको बता दी। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मेरा यदि आप सुझाव मानेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अभी शॉर्ट टर्म में अभी जो गिरावट आज के दिन देखने को मिले इससे घबराना नहीं है। आप इसके वजह से यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेचिए मत, इसमें बने रहिए, शेयर प्राइस रिट्रेसमेंट मारकर फिर ऊपर जाएगा। उम्मीद करता हूँ टाटा टेली सर्विसेज के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए इसको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।